हम सबके लिए, पूरे देश के लिए और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए कि देश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी सरकार बनने वाली है, तो ये लगातार दूसरी बार सरकार बनने का एक नया कीर्तिमान और पूर्ण बहुमत के साथ, तो ये खुशी का अवसर है। प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे और पूरे मंत्रिमंडल में जो साथी आते हैं उनको भी बधाई देंगे कि आने वाला 5 साल देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, विकास के, विश्वास के और मोदी जी के साथ चलने का एक संकल्प देश की जनता ने लिया है। आज हम सब बधाई देने वहाँ जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी का ये कहना है कि हम अभी तो नहीं जा रहे हैं लेकिन बाद में टाइम लेकर पीएमओ से मिलने जाएंगे। अब जिसको जब जब जाना है जाना चाहिए, वो तो ठीक बात है, सबकी मर्जी, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कब जाना चाहिए। ठीक है, सूर्यवाला ने भी ट्वीट किया है कि 1 महीने तक कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जो है डिबेट में शामिल नहीं है। ऐसे भी वो खामोश हैं, पूरी तरीके से स्तब्ध हैं, बोलने की स्थिति उनकी बची नहीं है, तो 1 महीने का मौन धारण करना उनके लिए बेहतर है क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। मंत्रिमंडल की बात से क्या उम्मीद किया छत्तीसगढ़ से किसी को शामिल किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी का ये तो विशेषाधिकार है कि किसको शामिल करें और कौन कौन होते हैं, तो ये अब आज शाम तक मालूम हो जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं? नहीं नहीं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं किसी रेस में नहीं रहता। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने जो है जो उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है, 1 महीने में दिया जाएगा, क्या मानते हैं कितना लाभ? अच्छा है, वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में जो उनको लाभ मिलना है आरक्षण का और बाकी विषयों में, बच्चों को खासतौर से वो लाभ मिलेगा। अच्छी बात, थैंक यू।